أشهد أن لا إله إلا الله. बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बेटा। अरे तू ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा ये तो बताता जा। हाँ, 3 बॉयल्ड एग्स और 2 टोस्ट। बाय मम्मी। अक्सर लोग टिप्पणी करते हैं, मीम्स बनाते हैं कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख लीजिए, आपका सारा भरोसा गायब हो जाएगा। पर जिंदगी कोई मीम नहीं है जिसका मजाक बनाया जा सके, क्योंकि सच अक्सर कल्पना से ज्यादा भयानक होता है। और सच ये था कि 22 अगस्त 2019 की सुबह रोज की तरह ऋतिक गुप्ता जॉगिंग के लिए निकला तो था पर कभी लौट कर नहीं आया। हो सकता है वो रनिंग करते करते दूर चला गया हो, आ जाएगा वापस। सुनील, 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे उसे कॉलेज भी जाना रहता है। अरे तो हो सकता है आज वो कॉलेज बंक करने की सोच रहा हो। अरे मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनील, तुम वो विमला देवी पार्क के सामने से ही गुजरोगे ना, एक बार जरा अंदर झांक के देख लेना, ऋतिक अगर दिख जाए तो उसे घर भेज देना। अरे मम्मी, मुझे बहुत सारे काम है आज, वो आ जाएगा जब आना होगा। बाय। मेम साहब, अंडे छील दो। नहीं अभी नहीं रंजना, ऋतिक को आ जाने दो उसके बाद। अरे भैया सुनो, मेरा बेटा ऋतिक रोज सुबह यहाँ जॉगिंग के लिए आता है, आज भी घर से निकला था लेकिन वापस नहीं पहुंचा, जरा देखिए अंदर तो नहीं। सुबह अभी तो दोपहर के 2:30 बजे और पार्क बंद होने का समय सुबह 11 बजे का ही है, तो अंदर कैसे होगा? ये मेरे भाई ऋतिक की फोटो है, आपने से बाहर निकलते हुए देखा? अब यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, कितनों की शक्ल याद आती है। अरे लेकिन एक बार देख तो लीजिए या फिर हमें देखने दीजिए। देखिए पार्क 4 बजे खुलता है, आप लोग तब आकर देखिए। आंटी, हमने पूरा कॉलेज चेक कर लिया पर ऋतिक यहाँ कहीं भी नहीं है, और वैसे भी जॉगिंग वाले कपड़ों में तो कॉलेज नहीं आएगा। धीरज बेटा, ऋतिक ने तुम्हें या अजय को कुछ बताया था कि वो जॉगिंग के बाद कहीं और जाने वाला है या उसका कोई प्लान है? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ऋतिक ने, और मैं खुद उसको कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, रिंग हो रहा है पर वो उठा नहीं रहा। सुबह से मैं भी उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, और सुनील और उसके पापा वो तो विमला देवी पार्क में भी देखा है, वो वहाँ भी नहीं है। धीरज यार, कैंटीन लाइब्रेरी सब जगह चेक किया, पूरा कॉलेज छान मारा लेकिन ऋतिक कहीं नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो कॉलेज के लिए नहीं जॉगिंग के लिए निकला था, अब उन कपड़ों में वो कॉलेज तो आएगा ही नहीं, और वैसे उसकी बाइक भी तो घर पर ही है ना। अबे गया तो गया कहाँ? मेरा बेटा ऋतिक बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, रोज सुबह 7 बजे जॉगिंग के लिए जाता है, आज भी गया था लेकिन फिर घर वापस नहीं लौटा। जॉगिंग के बाद जिम वगैरह कहीं क्या होगा? नहीं सर, दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास, जिम, ट्रेडमिल, वेट ट्रेनिंग वो सुबह नहीं शाम को करता है कॉलेज से आने के बाद। आप लोग हमें ऋतिक गुप्ता की फोटो दे दीजिए, और जैसा कि आपने कहा कि ऋतिक बालिग है, 22 साल का है, तो तहकीकात 24 घंटे के बाद ही शुरू हो सकती है। हाँ वो बालिग है मिस्टर चौधरी, लेकिन वो सुबह से घर वापस नहीं आया, और सर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, हम उसकी फोटो आसपास के हॉस्पिटल्स में भेज देंगे, पता करेंगे उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका फोन अभी तक चालू है। मिस्टर चौधरी, अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो किसी ने तो फोन उठाया होता। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें अपनी तहकीकात कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी होगी ना। देखिए ऋतिक का फोन ऑन है, इसलिए हम इस केस को डायरेक्टली मिसिंग केस के साथ नहीं जोड़ सकते। फिरौती का कोई कॉल वगैरह? नहीं अभी तक तो नहीं। उस दिन सुबह ऋतिक गुप्ता किसी खास इरादे से कहीं जाने के लिए निकला था, और उस खास इरादे मकसद के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था।
और वहीं दूसरी तरफ 22 साल की तनाज कुरैशी हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में कहीं वो अपना रूप बदल कर एक नया रूप धारण कर लेती। वो रूप जो उसे पसंद था, एक ऐसा रूप जिसकी उसने महत्वाकांक्षा की थी, एक ऐसी जिंदगी जो वो जीना चाहती। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स में भी पता करो, हो सकता है ऋतिक उस तरफ गया हो। ऋतिक गुप्ता के फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है, फोन अभी भी ऑन है और साकेत एरिया में एक्टिव है। मैं अपनी टीम के साथ निकल रही हूँ। ठीक है, नया पता करो, देखो कहीं ये लड़का हमारे साथ आंख मिचौली का खेल तो नहीं खेल रहा है। अजय, धीरज, तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक सुबह सुबह कहीं जाने का प्लान बनाता है और तुम दोनों को कोई आइडिया ही नहीं। सर, उसने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया ही नहीं होगा, और सर अगर बनाया भी होगा तो उसने हमें नहीं बताया। वैसे भी सर, ऋतिक बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि वो कुछ इस तरीके की हरकत करे और अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं छुप कर बैठ जाए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? डॉक्टर गुप्ता, हमारे तीन कॉन्स्टेबल्स ने विमला देवी पार्क के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बात की, ये कंफर्म हो गया है कि आपका बेटा ऋतिक रोज सुबह वहां जॉगिंग के लिए जाता था। डॉक्टर गुप्ता, विमला देवी पार्क में दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक जिसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होती है, जिसके साथ आपकी बातें, और दूसरा जिसकी ड्यूटी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक होती है, वो पहचानता है आपके बेटे ऋतिक, और उसका कहना है कि 22 अगस्त को आपका बेटा ऋतिक वहां जॉगिंग के लिए आया ही नहीं था। हाँ साहब, ये लड़का रोज सुबह यहाँ था। कल भी आया था? नहीं साहब, कल नहीं आया था। कल शाम मुझे अशरफ ने बताया कि इसके भाई और पापा इसे यहाँ ढूंढने आए। ऋतिक का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, ऐसी भी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं? सर, पूरा एक दिन निकल गया और ऋतिक अभी तक घर वापस है। सर, उसका फोन अभी तक ऑन है, हमने काफी देर तक ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। ऋतिक की कोई लड़की दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड? सर, होती तो हमें 100% पता होता, वो कुछ छुपाता नहीं हमसे। हाँ सर, मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ में ही रहते हैं, कॉलेज में भी और इवन कॉलेज के बाद भी हम लोग साथ में ही घूमते हैं। सर, कहीं ऋतिक किडनैप तो नहीं हुआ है? शायद ऋतिक किडनैप हुआ हो, आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है? आप एक डॉक्टर हैं, जाहिर सी बात है अच्छी खासी इनकम होगी आपकी, शायद इस पर किसी की नजर है। और सर, मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जो ऐसा कुछ कर सकता है। ऋतिक की माँ अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी और लगातार उसके फोन पर कॉल कर रही थी, दूसरी ओर फोन पर लगातार रिंग जा रही थी पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या लोकेशन दिखा रहा है अभी? और वहीं दूसरी तरफ ऋतिक के फोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी, उसके फोन की लोकेशन दिल्ली के अलग अलग इलाकों पर दिखाई दे रही थी। क्या लोकेशन फिर चेंज हुई है क्या? कभी उसके फोन की लोकेशन चांदनी चौक दिखाई देती तो कभी इंडिया गेट। पुलिस की टीम हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए थी पर उसे पकड़ नहीं पा रही। सर, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हम आपको दे चुके हैं, हम उन नंबर्स को टैप कर रहे हैं। पर इंस्पेक्टर, अगर ऋतिक को किसी ने किडनैप किया है तो अभी तक कोई फोन आया क्यों नहीं? निशा जी, इस बात को लेकर हम भी हैरान हैं कि अभी तक कॉल आया क्यों नहीं। हमने हमारे तीन कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आपके घर के बाहर तैनात कर दिए, वो नजर रख रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कोई भी नहीं है। सर, अभी ऋतिक के फोन की लोकेशन क्या है? फोन ऑफ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा दिन दिल्ली के अलग अलग एरिया में फोन ऑन रहता है और रात को किसी एक लोकेशन पे जाके फोन ऑफ हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, बिल्कुल सही सलामत, उसके लिए मैं किसी को कुछ भी देने को तैयार हूं। डॉक्टर गुप्ता, पहले कोई मांगे तो सही, वैसे कौन हो सकता है ये मांगने वाला? नहीं साहब, मुझे नहीं पता ऋतिक बाबा को कौन उठा सकता है। घर में कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी कुछ सुना था किसी लड़की को लेकर माँ बाप भाई के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं साहब, कभी नहीं सुना। तेरा पति क्या काम करता है? दिहाड़ी मजदूर है मैडम,
वो नई बिल्डिंग बन रही है ना, वही मजदूरी करता है। ये लिख, उसका नंबर लिख और जिस बिल्डिंग में वो काम करता है उसका एड्रेस लिख। साहब आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखो सीधा सीधा बता दोगी तो शक नहीं करेंगे। बताओ कहाँ है जाने? साहब मुझे नहीं पता, मैंने ऋतिक बाबा के साथ कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया तो किसने किया? ऋतिक गायब है 3 दिन से, या तो तूने किया या करवाया है। मुझे नहीं मालूम मैडम, मैं यहाँ काम करती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ और इस कॉलोनी में और 4 घर में काम करती हूँ कई साल से। गुप्ता साहब के यहाँ तो मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 1 साल से? तुझसे पहले वहाँ कौन काम करता था? क्या कोई ऐसी वजह थी कि ऋतिक इस घर को हम लोगों को छोड़कर चला जाए? क्यों जाएगा वो, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बताता ना। पापा मैंने ऋतिक का अकाउंट चेक किया है, उसने अकाउंट से अभी तक 1 बार भी पैसे नहीं निकाले। जॉगिंग पे जाते हुए वो अपना वॉलेट कभी साथ में लेके नहीं जाता। वॉलेट भी घर पे है तो चला कहां गया ये लड़का? अंकल आंटी। अजय धीरज कुछ पता चला ऋतिक का? हा? नहीं आंटी, हमने कॉलेज के सारे फ्रेंड से पूछा पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। धीरज, अजय, बेटा एक बात सच सच बताना, क्या ऋतिक की कोई गर्लफ्रेंड है? अंकल अगर होती तो हम लोग आपको जरूर बताते। हाँ और अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपको खुद ही बता देता। कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था उसका? भैया ऐसा तो उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। हेलो डॉक्टर गुप्ता, हमने आपकी कामवारी भाई रंजना से पूछताछ की। रंजना? रंजना ने कुछ किया है क्या? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा क्या आप हमें बता सकते हैं कि रंजना और उसके पति के पास ऐसा करने का कोई कारण हो सकता है? पता नहीं। और तबस्सुम कृष? तबस्सुम? लेकिन तबस्सुम तो 1 साल पहले ही हमारे घर का काम छोड़ के जा चुकी है। डॉक्टर गुप्ता हम हर एंगल टटोल रहे हैं, ये जो कोई भी है आपका करीबी है, आपको आपकी फैमिली को अच्छे से जानता है। निशा, तुम्हारा तबस्सुम से कभी कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो, तबस्सुम ने तो हमारे यहाँ 4 साल काम किया और काम छोड़े भी उसको 1 साल हो गया। और याद है उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी और उसकी बेटी तनाज वो कमाने लगी थी, तनाज के कहने पर ही उसने काम करना छोड़ा था। क्यों क्या हो गया? पुलिस क्या पूछ रही थी? तबस्सुम ने कुछ किया क्या? जी मैं ही हूँ तबस्सुम कुरैशी। आप 1 साल पहले आर के नगर वाले डॉक्टर गुप्ता के यहाँ काम करती थी? जी मैंने उनके यहाँ करीब 4 साल काम किया है, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? काम क्यों छोड़ा आपसे मतलब? सीधे सवाल का जवाब दो, काम क्यों छोड़ा? उम्र और लगातार काम करने की वजह से मेरी सेहत खराब रहने लगी थी, फिर मेरी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया तो पैसे की किल्लत भी कम हो गई थी और वो चाहती थी कि मैं काम छोड़ दूं और अपनी सेहत का ख्याल रखूं, तो उसके कहने पर मैंने काम छोड़ दिया। कोई और बात तो नहीं, हमारी कोई बात बुरी लग गई? पैसे कम पड़ रहे तो बोलो मैं तनख्वाह बढ़ा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छा सलूक किया है मेरे साथ, ऐसा मत कहिए। फिर मैंने काम छोड़ दिया, तब से घर पर ही हूँ। मेरे शौहर गैराज में मैकेनिक का काम करते हैं और मेरी बेटी रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। अब आप बताएंगी कि आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर गुप्ता का बेटा ऋतिक 3 दिन से लापता है। क्या? या अल्लाह, ऋतिक बाबा कहाँ गए? ऋतिक के लापता होने की वजह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, पर गुप्ता परिवार और तबस्सुम कुरैशी परिवार के बीच एक तार जुड़ी थी और ये बात ऋतिक से जुड़ी थी जो कभी किसी के सामने नहीं आई थी। तबस्सुम कुरैशी और गुप्ता परिवार भी इस बात से अनजान थे, लेकिन अब ये बात सामने आने वाली थी। धीरज, अजय, देखो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बता दो, झूठ मत बोलना। तुम्हारी शक्लों पे साफ दिख रहा है कि तुम कुछ जानते हो। धीरज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? अजय बोल, क्या बात है, क्या चेपा रहे हो? सर, सर, ये ऋतिक गुप्ता या तो किडनैप हुआ है या किसी के जाल में फंस गया, या फिर ये सारा कुछ ऋतिक का किया धरा है। कॉल रिकॉर्ड से मिला कुछ? एक नंबर मिला है, 444920321। और ये नंबर फर्जी है? पूरी तरह से फर्जी है। फरीदाबाद का एड्रेस है, किसी राजू वर्मा के नाम पे रेस्टोरेंट, प्रीपेड सिम है सर। और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर पिछले 2 हफ्तों में, मतलब 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की बात हुई है, और इस नंबर से ऋतिक के फोन पर लास्ट कॉल 22 अगस्त की सुबह 7:45 पर आया था। अरे कहां हो तुम? मैं पहुंच गया। ये जो फर्जी नंबर है राजू वर्मा के नाम पर, इसकी मोबाइल लोकेशन क्या है? सारे कॉल्स आर के नगर लोकेलिटी से किए गए। आर के नगर?
यहीं तो डॉक्टर गुप्ता भी रहते हैं। जी हाँ सर। कहीं ये घर का मामला तो नहीं है? आई मीन घर के अंदर का। ये जॉगिंग पर जाने वाली बात झूठ है। रिति कुछ दिन घर से निकला ही ना हो। सर अगर ऐसा है भी तो ऐसा करने की वजह क्या हो सकती? गाइस, मैं तुमसे दोबारा पूछा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो। देखो ऐसा लग रहा है ऋतिक किसी मुसीबत में है और तुम दोनों चुप रहकर उसकी मुसीबत और बढ़ा रहे हो। भैया तनाज, अभी कुछ देर पहले आंटी ने तबस्सुम का नाम लिया था और उसकी बेटी तनाज। हाँ तनाज तबस्सुम आबा की बेटी है। तो भैया एक साल पहले ऋतिक ने हमें एक लड़की से मिलवाया था ये कहकर कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम भी तनाज ही था। Still guys, इतना आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो तुम दोनों? हाँ मीट माई गर्लफ्रेंड तनाज। हाय तनाज, तबस्सुम आपा की बेटी, हमारे घर में काम करने वाली की बेटी। पता नहीं भैया वो ही लड़की है या नहीं, पर जब हमने तनाज का नाम सुना तो हमें ये बात याद आई। धीरज और राजे ने ये पुलिस को बताया? शायद अभी तक नहीं बताया, लेकिन बताएंगे जरूर। हेलो तनाज कुरैशी। यस स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? पहले सिर्फ इतना बता कि तेरा ऋतिक गुप्ता के साथ चक्कर है या नहीं? क्यों, आप उनकी बीवी बोल रही हैं? आरके पुलिस स्टेशन से एएसआई नेहा बोल रही हूँ। तो पहले इंट्रोडक्शन देने में क्या प्रॉब्लम थी? ज्यादा स्मार्ट मत बन, तुझे मालूम है ऋतिक गुप्ता गायब है 4 दिन से? नहीं तो कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया? सुन तूने सुनील भैया की शक्ल देखी थी जब हमने तनाज का नाम लिया था? हाँ यार, मुझे तो लगता है उन्हें पहले से ही पता था और वो तनाज यही वाली तनाज है। पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ऋतिक ने कभी बताया नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड काम वाली की बेटी है। अब आगे एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी लव अफेयर सबके सामने आने वाला था और ऋतिक के गायब होने की जड़ इसी प्रेम कहानी में मिलने वाली थी। ऋतिक गायब है मुझे तो अभी आपसे पता चला है। अच्छा, वैसे सवाल हमारा ये था कि तुम्हारे और ऋतिक के बीच चल क्या रहा था? और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अजय और धीरज ने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारा फोटो भी पहचाना है, ये भी बताया कि ऋतिक ने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहकर उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसमें झूठ क्यों बोलूंगी, बिल्कुल सच कहा उन्होंने। कैसे फंसाया तुमने ऋतिक? माय डियर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, जस्ट बिकॉज मैं एक काम वाली की बेटी हूँ लोअर क्लास से, उसका ये मतलब नहीं आप मेरे लिए फास्ट टाइप वर्ड्स यूज करेंगे। और अगर आप ही के लैंग्वेज में जवाब दूँ तो मैंने उसे नहीं फंसाया था। तुम्हारा ऋतिक के साथ अफेयर कैसे शुरू हुआ, तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बनी, ये लंबे से ये? मैंने कोई जालवाल नहीं बिछाया था, अम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे उनके घर ले गई थी काम के लिए, ये 2 साल पहले की बात है। नमस्ते मैम साहब। मैम साहब वो मेरी तबीयत जरा खराब है तो 2-3 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ तबस्सुम, डॉक्टर को दिखाया तुमने? बस जा ही रही हूँ, ये मेरी बेटी है तनाज, 2-3 दिन तक यही काम संभाल लेगी मैम साहब। वो सब ठीक है, तुम जाओ पहले साहब के क्लिनिक से दवाई ले लो। बस अभी जा ही रही हूँ दवाई लेने। ठीक है, अपना ध्यान रखो। आओ बेटा तनाज। क्या हुआ, कुछ चाहिए? जी वो झाड़ू लगानी थी, मैडम ने कहा था कि इस कमरे से शुरू करो। अच्छा तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, नहीं आई हो यहाँ पे? जी वो मेरी अम्मी यहाँ काम करती हैं। अच्छा एक काम करो, दूसरा कमरा कर लो, इसे बाद में कर लो। जी सुनो तुम्हारा नाम क्या है? तनाज। अच्छा तनाज एक काम करो, 2 टोस्ट पी लिया। जी
तनाज, तुम तनाज हो ना? जी। मतलब तुम वही तनाज हो जो मेरे घर पे काम करती? तबस्सुम आपा की बेटी तनाज? अच्छा, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। कॉलेज? जी, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। गुड यार, तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूँ? ओह हाय, बाय द वे आई एम रितिक। हाय। लव स्टोरी और अफेयर जो भी था वो दोनों तरफा था। मैंने नहीं, उसने सामने से अपना हाथ बढ़ाया था, मैंने हाथ पकड़ लिया। ये तेरे दोनों रूप, धूप छांव, ये क्या है? ये स्टेटस मेंटेन कैसे करती हो? चोरी डकैती नहीं करती, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। मेरे कॉलेज में काफी लड़के मुझे पसंद करते हैं, उनमें से कई पैसे वाले भी हैं। वो ये सारी चीजें मुझे गिफ्ट करते हैं और मुझे ऐसे ही रहना पसंद। तो ये ऋतिक भी तेरे लिए गिफ्ट देने वाला बकरा रहा होगा, है ना? देखिए आप प्लीज समीर से बात कीजिए, ऋतिक मुझसे प्यार करता था, मैंने ऋतिक को कभी बकरा नहीं माना था। हम एक रिलेशनशिप में थे, काफी बार फिजिकल भी हुए, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में, लेकिन मैंने अपना रोना उसके सामने कभी नहीं रोया। 6 महीने पहले हमें यह समझ आ गया कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। वो एक अमीर घर का लड़का और मैं एक गरीब घर की लड़की, इसकी अपनी खुद की जिम्मेदारियां है। अम्मी अब्बू का सहारा बना, उनकी जिंदगी बनानी है, और मेरा ऋतिक के गायब होने से कोई वास्ता नहीं है। 6 महीने पहले हम अलग हो चुके, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ से, शहर छोड़कर नहीं। ऐसा तो मेरा खुद का कोई इरादा नहीं है, पर मैं दुआ करूंगी कि ऋतिक आप लोगों को जल्दी मिल जाए। लड़की बहुत तेज है, काफी स्मार्ट है सर, बहुत पहुंची हुई चीज लगती है। लेकिन इसने कुछ छुपाया नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, लव अफेयर या जो भी कुछ था साफ साफ बता दिया सर। छुपाने का कोई फायदा नहीं था ना सर, उसे पता चल चुका था कि अजय और धीरज हमें सब कुछ बता चुके। क्या लगता है तुम्हें, ये ऋतिक को गायब कर सकती है? सर, सुमन नगर पुलिस मेहरौली को अभी 1 घंटे पहले जंगल के पास ही लाश मिली है। उनके पास ऋतिक की फोटो थी जो हमने उन्हें भेजी थी। दिल्ली में मेहरौली इलाके की सुमन नगर पुलिस को 1 घंटे पहले जंगल के पास एक बोरी मिली। बोरी का मुंह जैसे ही खोला गया उसमें से एक लाश बाहर आई। ये तो आर के नगर मिसिंग केस वाले लड़के की बॉडी, जिसकी फोटो आर के नगर पुलिस स्टेशन वालों ने भेजी थी। इसका नाम ऋतिक गुप्ता है। पापा, किसका फोन था पापा? पुलिस का? क्या कहा उन्होंने, ऋतिक की खबर मिली कुछ? पुलिस को ऋतिक की बॉडी मिली। जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है। पुलिस को उसकी लाश मिल गई, अब आगे बोलो क्या करना है। हाँ, मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था। आप ये बोलो ना, पैसे का क्या हुआ? ये देखिए, बुरी तरह से सर के पीछे से वार किया गया। ऐसा लग रहा है डॉक्टर, जैसे किसी भारी चीज से मारा हो। मारने के बाद गला भी घोटा गया, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं जिंदा तो नहीं है। बोरी में कोई सुराग नहीं मिला सर। ऑर्डर बहुत ही चालाकी से किया गया है। लड़का 22 तारीख को गायब होता है, फिर गुमराह करने के लिए फोन 3 दिन तक इधर उधर घूमता है, और फिर डेड बॉडी मिलती है। सर आपने एक बात नोटिस की, डेड बॉडी तब मिलती है जब तनाज का एंगल सामने आता है। तुम्हारे लिए इस केस में सबसे बड़ी सस्पेक्ट तनाज है। सस्पेक्ट करना तो एक बात है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट है इस लड़की पर। ऋतिक का यूं गायब होना, उसका मर्डर होना इस तनाज से जुड़ा हुआ जरूर है। दोनों के बीच में क्लास डिफरेंस देखिए सर, अजीब नहीं है? उससे भी अजीब बात तो यह है कि गुप्ता फैमिली की नाक के नीचे ये अफेयर चल रहा था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं था। नहीं नहीं, ये रॉड का घाव नहीं। आप ये घाव देख रहे हैं कितना बड़ा है, ऐसा घाव रॉड से नहीं आता। रॉड नहीं है तो फिर और क्या है? ये कोई भारी चीज रही होगी,
जो भारी के साथ साथ आगे से चपटी भी होगी। दरअसल उसने आधा जिम तो अपने रूम में बना रखा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके पास। ये डंबल हो सकता है क्या? मुमकिन। हमें जहां तलाश करना चाहिए था वहां हमने ढूंढा ही नहीं। ये सब कुछ डॉक्टर गुप्ता के घर में हुआ। तुम सही कह नीति ने, ऋतिक का गायब होना, उसके बाद उसका मर्डर, ये सब ऋतिक और तनाज के रिश्ते से ही जुड़ा है। तनाज ने हमें पूरा सच नहीं बताया। नेहा, तुम तनाज से बात करो, हम डॉक्टर गुप्ता के घर जाते। अम्मी अबू, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है कि गुप्ता जी की बेटी की लाश मिली है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तनाज, तुमने ऐसा कैसे इतने अमीर घर के लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाने का सोचा? अबू, रिश्ता मैंने नहीं, उसने बनाया था। मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने मना नहीं किया। अरे तो क्यों नहीं रोका खुद को? अम्मी, ये सारी बातें मेरे जहन में उस वक्त नहीं आई थी। और लोग होंगे सो होंगे, और वैसे भी अम्मी, ये सारी बातें तो 6 महीने पहले खत्म हो चुकी है। अब उसके गायब होने से, मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं। खुदा के लिए आप लोग मुझ पर शक करना बंद कीजिए। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। आप इतने दिनों तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, उसका मर्डर हो गया, और अब आप मुझे से कह रहे हैं कि आपको मेरे ही घर की तलाशी लेनी है? पूरी दुनिया को छोड़कर आपको बस हम ही पर शक है? हाँ तो तुम्हीं ने कहा था ना कि ऋतिक जिम नहीं जाता था, घर में ही वर्कआउट करता था। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हम ही पे शक करेंगे, हम पे, ऋतिक की अपनी फैमिली पे। पर आप लोगों को घर चेक करवाने में ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, हमें सिर्फ घर चेक करना है, वो भी आपके सामने, आपकी मौजूदगी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक के सिर के पीछे जो घाव मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पुलिस का मानना है कि वो डंबल से मारा गया। ऋतिक की हत्या के पीछे उसके अपने परिवार का हाथ था, और क्या इसकी वजह तनाज और ऋतिक का रिश्ता था? अब सिर्फ सच बताओ। सच में आपको पहले ही बता चुकी, ऋतिक और मेरा रिश्ता 6 महीने पहले खत्म हो चुका है। मेरी उसकी 6 महीने से कोई बातचीत नहीं है। अब अगर मेरे ब्रेक ऑफ के बाद वो मुझे लेके सीरियस हो गया था और अपने पेरेंट्स से अड़ गया था कि वो क्लास डिफरेंस में नहीं मानता, तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। लेकिन मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि जब उसके और मेरे बीच सब खत्म हो चुका था तो अपने पेरेंट्स को क्यों बताएगा, और उसके पेरेंट्स गुस्से में ऐसा कोई कदम क्यों उठाएंगे? तो तुम्हारा कहना है उसकी फैमिली ने उसे नहीं मारा? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा और क्यों मारा। मेरा उसका एक रिश्ता था जिस रिश्ते की आप पूरी तरीके से बैंड बजा चुके हो। मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी लगता है कि मैं खुद एक्सेप्ट करूँ कि हाँ, मैंने उसे मारा था। परेशान कर दिया आप लोग ने मुझे। एक लड़के का मर्डर हुआ है, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। मजाक ना आप लोग कर रहे हैं, 4 दिन से वो गायब था, तब तो आप उसे ढूंढ नहीं पाए, और अभी सब नाटक करें कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। मैं नहीं जानती उसे किसने मारा। कुछ मिला? कैसे मिलता, सब कुछ आप लोगों ने साफ जो कर दिया। मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मर्डर करने वालों को पकड़ने की बजाय आप लोग हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, तनाज और ऋतिक के अफेयर के बारे में आपको कब पता चला? अभी जब धीरज और अजय ने हमें बताया। लेकिन आप लोग जो ये कहानी बना रहे हो ना कि हमें उनके अफेयर के बारे में पहले से पता था और नाराज होकर हमने उसे मार दिया, ये एकदम बकवास है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग प्लीज शांति से हमें हमारे बेटे का शोक मनाने दीजिए। हम लोग पहले ही बहुत दुखी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं पाए और अब ये उल्टी सीधी कहानियां बना रहे। अरे हम तो पहले ही शोक में आ गए थे ये जान के कि हमारे बेटे का हमारी काम वाली की बेटी के साथ अफेयर था, जो हमें पता तक नहीं था। आप जल्दी से जल्दी बस हमारे बेटे की बॉडी हमें दे दीजिए।
इसके अलावा ऋतिक के मर्डर का और क्या कारण हो सकता है? सर अगर कोई कारण है भी तो क्या और किसके पास? अगर किडनैपिंग के एंगल का सोचें तो चार दिन तक फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। ये ऋतिक के दोस्त धीरज और अजय, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवाया सर पर कुछ नहीं मिला। दरअसल ये तीनों स्कूल से ही साथ में, तभी से दोस्त हैं। ऋतिक के कॉल रिकॉर्ड से हमें सिर्फ ये फर्जी नाम और एड्रेस वाला नंबर मिला है 4449203, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। सिम कार्ड डीलर को बहुत तोड़ा सर, लेकिन राजू वर्मा के नाम के फर्जी पैन कार्ड के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसे याद ही नहीं है कि उसने सिम कार्ड किसको बेचा था। और एक बात सर, नेहा ने तनाज से पूछताछ की और उसे तनाज के ऊपर काफी गहरा शक। हो सकता है तनाज ने अभी तक हमें सही कहानी ना बताई। तनाज अपने काम में बहुत अच्छी और मेहनती है, पर मैडम ये सब सवाल आप पूछ क्यों रही हैं? और आप लोग बार बार तनाज को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाते हैं? ऋतिक गुप्ता मर्डर केस के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसी मर्डर केस के सिलसिले में उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं। तो मिस्टर ऋषिकांत, अब भी आपका यही कहना है कि तनाज एक बहुत अच्छी लड़की है और हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए? मैडम अब तो आप उल्टा मुझे ही डरा रही हैं। पर जब मैंने उसका बायोडाटा देखा था तो उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, और उसे यहाँ पर 15 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए। वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। उसे आपके यहाँ काम करते हुए सिर्फ 15 दिन हुए? जी मैडम, 31 जुलाई को उसने अपनी पहली नौकरी छोड़ी थी, फिर 7 अगस्त को उसने यहाँ पर हमारे ऑफिस में इंटरव्यू दिया और 12 को ज्वाइन कर ली। इससे पहले वो कहाँ काम करती थी? कोई जिम था। जिम? हाँ, AM जिम्नेशियम नाम का कोई जिम था। आप तनाज का बायोडाटा भिजवा सकते हैं, तनाज को बिना बताए? जी हाँ भेज देता हूँ। चौहानी बोल रहा हूँ। ये नीलम कॉम्प्लेक्स में शॉप नंबर 24 जो है, इसके आप ओनर हैं या ब्रोकर? हाँ जी, वो मेरी दुकान है, मालिक हूँ उसका। आपको दुकान किराए पर चाहिए क्या? असलम मुहिद्दीन चला रहा था इस जिम को, वही घर आकर चाबी दे गया और कह रहा था कि रेंट बहुत भारी पड़ रहा है, अब और नुकसान नहीं झेल पाएगा। हमें असलम मुहिद्दीन का नंबर दो और हाँ जिम की चाबी, मैं जिम चेक कर। सर नंबर तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन जिम तो खाली पड़ा है, आप वहाँ क्या देखेंगे? ये ऋतिक गुप्ता है, उस जिम में आता था। ये तो वही लड़का है जिसकी कल अखबार में फोटो छपी थी। और ये इस लड़की से मिलने आता था जिम में। ये तो जिम की रिसेप्शनिस्ट है। सर मगर मैं इस लड़के को नहीं जानता सर, मैं तो वहां सिर्फ किराया लेने जाता था। बाकी ये लड़का अगर जिम में आता भी है तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी मैं असलम ही बोल रहा हूँ, AM जिम मेरा ही था, मैं ही चलाता था। असलम आर के नगर पुलिस स्टेशन आ जाओ, कुछ बात करनी है। जी जान सकता हूँ किस सिलसिले में? अरे घबराओ मत, आ जाओ बात करनी है। ओके जितना मुझे याद है कि असलम ने सब सामान बेच दिया था, वैसे ये इतना बड़ा जिम है भी नहीं। सर मैडम आप ये तो बताओ कि आप फोन क्या रहे हो? जिम की रिसेप्शनिस्ट, तनाज कुरैशी का अफेयर था ऋतिक गुप्ता के साथ, ऋतिक गुप्ता वो लड़का जिसका मर्डर हुआ। आपको क्या लग रहा है इस शॉप में कुछ हुआ है? जी हाँ, ऋतिक का मर्डर डंबल से किया गया। डंबल वो वेट जिससे लड़के जिम में कसरत करते हैं। सर मैं तो आज भी अपना जिम शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कोई सस्ती जगह देख रहा हूँ। पर सस्ती जगह की प्रॉब्लम ये है सर कि वहाँ कोई बड़े क्लाइंट नहीं आते, शॉप का किराया निकालना मुश्किल हो रहा था सर। हालत ये है कि सोच रहा हूँ कुछ दिन वापस से ट्रेनर की जॉब कर लूँ। तनाज कुरैशी को जानते हो? जी हाँ सर। क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने 22 अगस्त को ऋतिक गुप्ता का मर्डर किया तुम्हारे जिम में। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरे यहाँ से 31 जुलाई को नौकरी छोड़ के चली गई थी, उस मंथ की सैलरी भी नहीं दे पाया था मैं उसे। आजकल शायद किसी ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रही है, उसके बाद वो कभी वापस जिम में आई नहीं। असल में 25 अगस्त को तुमने जिम की चाबी दुकान के मालिक गिरधर को लौटाई थी? लौटानी पड़ी सर, क्योंकि जिम में कोई क्लाइंट बचे ही नहीं थे। मैंने सबको फोन किया मेंबरशिप रिन्यू कराने के लिए, पर ज्यादातर क्लाइंट बड़े और अच्छे जिम में मेंबरशिप ले चुके थे। मेरे पास जिम बंद करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। ठीक है जा सकते हो। सर जिम पूरा खाली कर दिया और यहाँ ऐसा कुछ मिला भी नहीं जिससे अंदेशा हो कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है, पर डेफिनेटली यहाँ कुछ हुआ है। सही कह रहे हो तुम, कुछ तो जरूर हुआ है वहाँ पर।
ये तनाज अब भी सच नहीं बोल रही। तनाज और ऋतिक का ब्रेकअप दोनों की मर्जी से नहीं हुआ, और आई एम श्योर ये जिम वाला असलम भी कुछ छुपा रहा है। पुलिस असलम पर भी नजर रखे हुए थी ताकि उसके और तनाज के बीच कोई कड़ी मिल सके जिसकी वजह से वो ऋतिक की हत्या करने में शामिल था। पुलिस का मानना था कि ऋतिक की हत्या की वजह तनाज कुरैशी ही थी, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत या संदिग्ध नहीं थे। क्या सच में ऋतिक की मौत के पीछे तनाज का ही हाथ था या फिर इस सब का जिम्मेदार उसका अपना परिवार था? पुलिस को अभी तक कोई बड़ी लीड नहीं मिली थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ऋतिक का फोन किसके पास था जो उसे पूरे शहर में लेकर घूम रहा था, और वो फोन नंबर किसका था जिससे उसको आखिरी कॉल आया था। आखिर पुलिस को वो ब्रेक मिल ही गया। जी कहिए। इकबाल शेख। हाँ मैं ही हूं। पुलिस, चलो कुछ बात करनी है तुमसे। बात करनी है? लेकिन मुझसे क्या बात करनी है? अरे चल, डर क्यों रहा है, आ जा। अरे आप हो कौन और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी बताया ना, पुलिस। हाँ पर आपको मुझसे क्या बात करनी है? तू डर क्यों रहा है, कोई मर्डर किया तूने? चल डर मत, आने चल के बात करते हैं। साहब क्या बात करनी थी? कुछ खास नहीं रहे, बस तेरे से जानना था कि तू असलम मोइनुद्दीन को जानता है क्या? कि अपना नीलम कॉम्प्लेक्स में एएम जिमनेजियम नाम का जो जिम चलाता था, पूरी कुंडली बनाई है हमने तेरी। देख 22 अगस्त को दिल्ली में तू कहां कहां गया, क्या क्या देखा, कौन सा पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया, सब कुछ। जैसे प्लान हुआ था सब वैसे ही हुआ है। पुलिस को उसकी लाश मिल गई है, अब आगे बोलो क्या करना है। इकबाल पहले ये बता, तूने ऋतिक का फोन तोड़ के फेंका कि नहीं? मैंने वो ऋतिक का फोन तोड़ के फेंक दिया था। आप ये बोलो ना पैसे का क्या हुआ? इकबाल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 2-4 दिन आराम से बैठ, मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। यार असलम तो बोला था काम होते ही 50,000 मिलेंगे करके। साहब मैंने मर्डर नहीं किया है साहब, मैं बस 24 की रात को वहां टेम्पो लेके गया था बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, और 22 अगस्त से उस ऋतिक का फोन लेके मैं दिल्ली में घुमाया। फरीदाबाद से एक राजू वर्मा के नाम पे फर्जी सिम कार्ड लेके मैंने असलम को दे दिया था साहब। और किसके कहने पे तूने ये सब किया? बहुत ही बारीकी से जांच करने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम इकबाल शेख तक पहुंच गई। असलम के कॉल रिकॉर्ड से उन्हें इकबाल का नंबर मिला था जब इकबाल ने 25 अगस्त को असलम को उसके मोबाइल पर फोन किया था। सिर्फ 25 अगस्त ही नहीं, उसके बाद भी इकबाल और असलम में पैसों को लेकर बात होती रही थी, और अब असलम मोइनुद्दीन इस पूरी प्लानिंग का खुलासा करने वाला था और बेहद चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था। देख इसने तो सब कुछ प्यार से बता दिया है, अब तू सोच ले मार खाने के बाद बताना है तुझे या फिर ऐसे ही बताएगा? सब गलती होगी। गलती नहीं, मर्डर हुआ है। चल बोल। सब प्लान मेरा नहीं तनाज का था। मैं तुझे पहले दिन देखते ही समझ गई थी कि तू बहुत पहुंची हुई चीज है। सही पहचाना था आपने। क्यों मारा ऋतिक को? इसलिए कि उसने चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तुझे? मेरी जूती भी ना फेंक सके कोई। मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं। उसकी तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने कहा था कि ब्रेकअप कर देते। असलम साथ में काम करते थे, मुझे असलम पसंद आ गया। तो फिर मारा क्यों ऋतिक को? इकबाल ने सब बता दिया हमें, कैसे इसने सिम कार्ड लाकर दिया था तुम लोगों को। नए नंबर से फंसाया था ना, क्यों? कैसे हो आप? कौन? क्या ऋतिक, तनाज इतनी भी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है। हे तनाज, कैसी है तू? एकदम मस्त, मजे में। तूने नंबर वंबर चेंज किया क्या? तेरा नाम नहीं है फोन में? हाँ, ये सब छोड़ना, ये बता हम कब मिल रहे? क्या यार तनाज, कहीं चलते हैं ना, कब तक ये रोज रोज वॉक पे जाते रहेंगे? हाँ यार मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर कल चले? तू कल मॉर्निंग वॉक पे आ, फिर मिलते हैं।
वैसे जिम चले जाएंगे, मेरे काम का लास्ट दिन है और वैसे भी जिम भी खाली होगा, कोई नहीं होगा वहाँ, तो इसी बहाने हमारे भी काम में आ जाएगा। पक्का ना? पक्का। काम हो गया, कल आ रहा है। अरे खाओ तुम, मैं पहुंच गया। क्या बात है, इतनी बेचैनी? बचना नहीं चाहिए, गलत दबा दे। तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ गई। रिफिक ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुमने उसे फंसाया, बुलाया और मार दिया। बोलना, उससे पूछ रहे, बोल। वो मुझे लात मारे, इतनी उसकी औकात नहीं थी। मैं आप लोग से पहले भी कह चुकी, मैंने उसे छोड़ा था, उसने मुझे नहीं। अरे एक बार छोड़ दिया था तो दोबारा क्यों फंसाया, मारा क्यों उसे? अमीर मुर्गों को फंसाने की आदत है ना तेरी। अपने लिए नहीं मारा था, असलम के लिए मारा। मैं प्यार करने लगी थी इससे। मैंने एक ट्रैवल एजेंसी में इंटरव्यू दिया है, 25,000 सैलरी बोली है, अब देखते हैं कितना देते हैं। तेरा तो फिर भी कुछ हो जाएगा, मेरा पता नहीं, क्या क्या ख्वाब देखे थे सब अधूरे रह जाएंगे। देख तू टेंशन मत ले, तेरा बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा। अरे पैसे चाहिए यार, कब तक ऐसे ट्रेनर की जॉब करके पैसे जोड़ पाऊंगा? एक मोटा तगड़ा अमाउंट चाहिए, 15-20 लाख रुपए। तो लाते हैं 15-20 लाख। 15-20 लाख कहाँ से लाएंगे? ये सीधी तरकीब से एक झटके में तो आने से रहे। किसको किडनैप कर ले? किडनैप किसको करेंगे? देख मेरे पास एक बकरा है, मेरे पीछे लट्टू था, कुछ महीने पहले मैंने ब्रेकअप कर दिया, बहुत हल्ला मचाया था उसने। कौन वो रितिक गुप्ता? हाँ भाई, बाप डॉक्टर है, बड़ा सा क्लिनिक है, बहुत पैसा है उनके पास, 15-20 लाख तो हाथ की मैल है उनकी। पर किडनैप करेंगे कैसे, बच्चा थोड़ी है वो। उसकी टेंशन मत, मैं उसे जब जहां बुलाऊंगी अपने आप आ जाए। चल मान ले वो आ गया, फिर क्या करेंगे? किडनैप करके पैसे मांगेंगे, उसके बाद जैसे ही उसे छोड़ेंगे सीधा पुलिस के पास जाएगा वो। वो जानता है तुझे। छोड़ेंगे क्यों, मार देंगे। तो तुम लोगों ने बस ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बना लिया उसे फंसा के मारने का? मारते नहीं तो क्या करते, वो पहचानता था मुझे। फिरौती भी मांगी थी तुम लोगों ने? नहीं, वही प्लान गड़बड़ा गया, पैसे मांगते उससे पहले ही आप लोग तनाज तक पहुंच गए थे। असलम, क्या पूछा पुलिस ने? उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने अफेयर और ब्रेकअप वाली बात बता दी। यार तनाजी पुलिस पहले ही तुम तक पहुंच गई। असलम, अब हम फिरौती नहीं मांग सकते, उन्हें मुझ पर पहले से ही शक। ये तो बेमतलब लेने के देने पड़ गए ना। ये सब ना उस ऋतिक के बेवकूफ दोस्त अजय और धीरज की वजह से हुआ, गलत टाइम पर पहुंच गए और मेरा नाम सुनते ही सब बक गए, वरना ऋतिक की फैमिली को हमारे बारे में कुछ पता कहा था? तो तुम लोगों ने पैसों के लिए यूं ही बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाया, ऋतिक को फंसाया, बुलाया और मार दिया। तनाज के माँ बाप को सच जानकर गहरा सदमा लगा था कि जिस बेटी को पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की थी वो क्रिमिनल बन चुकी थी। उसी घर के बेटे का खून करके जहां उसकी माँ ने 4 साल मेहनत करके उसके लिए अच्छी जिंदगी कमानी चाहिए। ऋतिक की फैमिली ये मान ही नहीं पा रही थी कि उनकी पीठ पीछे ऋतिक और तनाज का अफेयर चल रहा था। यहां तक कि दूसरी बार भी उनकी जानकारी के बिना यह अफेयर फिर से शुरू हुआ, जिसके माध्यम से तनाज ने ऋतिक को अपने जाल में फंसाया और अंत में वही उसकी दर्दनाक मौत का कारण बना। असलम मोइनुद्दीन, इकबाल शेख और तनाज कुरैशी को ऋतिक गुप्ता की हत्या करने के जुर्म में बुक किया गया है। ये बात सिर्फ चौंकाने वाली नहीं थी,
बल्कि अविश्वसनीय थी कि तनाज कुरैशी को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। यहां तक कि उसे इस भयानक हत्या को अंजाम देने में कुछ भी आपराधिक, कुछ भी गलत नहीं लगा था। अपना मतलब अपना स्वार्थ एक तरफ है, पर इसके बावजूद कोई अपराधी यह क्यों नहीं देख पाता है कि जुर्म करके किसी और की जिंदगी बर्बाद करते समय वो बेमतलब ही अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा रहा है। ऐसा हमने पहले भी कई बार कहा है और फिर कह रहे हैं कि जुर्म करने से कुछ हासिल नहीं होता है, कभी भी नहीं। और ऐसा हमने एक बार नहीं, बार बार अपने हर केस में देखा। क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।